आज होम्योपैथिक चैनल पर आपका स्वागत है। चैनल के माध्यम से हम जानेंगे डॉक्टर नवीन चंद्र पांडे द्वारा विभिन्न बीमारियों का होम्योपैथिक पद्धति से उपचार। नमस्कार दोस्तों, हमारे साहस होम्योपैथिक चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं डॉक्टर एनसी पांडे, नवीन चंद्र पांडे, होम्योपैथिक पद्धति से, होम्योपैथिक विधि से समाधान। जो आज का टॉपिक है कि ब्लैडर के अंदर यूरिन अटक जाना, किडनी और ब्लैडर सही ढंग से फिल्टर नहीं हो, किडनी से फिल्टर सही ढंग से नहीं हो पा रहा है, या ब्लैडर के अंदर यूरिन अटक जा रही है, पेशाब अटक जा रही है, तो उस पर आपको दवाई बताने जा रहा हूँ। आप लोगों को भी किसी भी प्रकार का वीडियो चाहिए, कोई भी बीमारी का आपको टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। आज जो पहली बार हमारा चैनल में आए हैं, तो उन लोग से कहूँगा कि सब्सक्राइब का बटन जरूर दबा दें, साथ में आप तक वीडियो जल्दी जल्दी पहुंचे, तुरंत पहुंचे, तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगने पर लाइक का बटन दबा दें तो बड़ी कृपा होगी, और साथ में अपने दोस्तों को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना ना भूलें, क्योंकि जो हमारा अभियान है होम्योपैथिक पद्धति से पूरे संसार को, सब लोगों को निरोगी बनाने का, तो उसमें आप लोग भी भागीदार रहें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, लोग निरोगी रहें, लोग स्वस्थ रहें। ये हमारा अभियान है होम्योपैथिक पद्धति द्वारा निरोगी बनाने का। चलिए, बहुत बातें होगी, बहुत देरी होगी। ब्लैडर में अगर यूरिन अटक रही है तो उसके बाद आप दवाई बन जा रहा हूँ, उससे पहले आप लोगों से कहूँगा कि एक टेंडेंसी बन जाती है, बल्कि जिन मेल में प्रोस्टेट ग्लैंड्स बढ़ने के बाद तो मेल में टेंडेंसी बन जाती है कि ब्लैडर खाली करने के बाद, यूरिन निकलने के बाद भी ब्लैडर के अंदर 15 ml, 20 ml, यहाँ तक मैंने देखा कि किसी किसी मेल के 250 ml, 300 ml तक ब्लैडर के अंदर पेशाब अटक जाती है, निकल नहीं पाती पेशाब, यूरिन निकल नहीं पाती, यूरिन पास आउट नहीं पाती, यूरिन कम होती है। इस तरह से लेडीज में आपका डिलीवरी भी ये देखने को मिलता है कि यूरिन खुल के नहीं पाती है, ब्लैडर के अंदर यूरिन अटक जाती है। तो अगर ब्लैडर के अंदर यूरिन अटक रही है, किडनी सही ढंग से फिल्टर नहीं कर पा रही है, तो उस पर आपको दवाई बता रहा हूँ। चलिए, बिना देरी करे, बिना रुके हुए दवाई बताऊँगा। उससे पहले आप लोगों से जरूर विनती करूँगा कि जब भी आप लोग यूरिन करते हैं तो मेल्स, खासतौर मेल्स ही, क्यों बैठ के यूरिन करें, ताकि दोनों पाँव का प्रेशर पेट में रहे, किडनी में रहे, तो यूरिन जो है खुल के आए, और पेशाब को रोकने की कोशिश न करें। जितना आप यूरिन को जल्दी से ज़्यादा रोकेंगे तो टेंडेंसी बन जाती है ब्लैडर में यूरिन अटकने की, क्योंकि मेल में यूरिन ब्लैडर जो है काफ़ी छोटा होता है, फीमेल में ब्लैडर काफ़ी बड़ा होता है। तो जितना टेंडेंसी बन जाती है कि बार बार पेशाब रुकने की उसमें, और साथ में पेशाब रुकने की वजह से किडनी के अंदर सिस्टोसिस, फफोले टाइप के बनने लगते हैं, तो इसलिए जब भी पेशाब लग रही है, यूरिन लग रही है, तो तुरंत जाएं, यूरिन को रोकें ना, कोई इमरजेंसी नहीं पड़ रही है तो यूरिन रोकें ना, जहाँ भी है तो यूरिन खुल के यूरिन करें, और बैठ के यूरिन करेंगे अगर ब्लैडर में पेशाब रुक रही है तो दवाई के साथ में, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखा देंगे। चलिए, दवाई नोट करते हैं। पहली दवाई है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम 5 बूंद सवेरे 5 बूंद शाम को लेंगे 200 पावर में। इस तरह से अगली मेडिसिन है कोनियम, कोनियम 30 में 2 बूंद सवेरे 1 दिन में शाम को लेंगे, और कोनियम और लाइकोपोडियम को 15 दिन तक ही लेंगे तो काफ़ी है। लाइकोपोडियम 15 दिन तक 5 बूंद सवेरे शाम, और कोनियम को भी 2-2 बूंद 3 बार लेंगे 15 दिन तक तो काफ़ी है। साथ में इसके अलावा जो अगली मेडिसिन है रेगबैक कंपनी की R18 का सेवन करेंगे 20 बूंद सवेरे 20 बूंद दिन में 20 बूंद शाम को, तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट दिखाएंगे। जो इसमें दवाई विषय है परवीन मदनी चल में है, इसमें कैथरीस है, टलका मारा है, इक्विटोरियम जैसी इसमें बढ़िया बढ़िया मेडिसिन है, इक्विटोरियम प्यूरिया भी इसमें है, जिसके वजह से यूरिनरी ब्लैडर को पूर्ण रूप से खाली कर देगी, यूरिनरी ब्लैडर में पेशाब टूटने की जो टेंडेंसी है उसको पूर्ण रूप से ख़त्म कर देगी। जो मेरे पास में R18 है वो 220 रुपये MRP का है, और इसकी जो पैकिंग है 20 ml पैकिंग में आता है। चलिए फिर से वो बताऊँ कि लाइकोपोडियम 200 में 5 बूंद सवेरे शाम, और कोनियम 30 में 2 बूंद सवेरे 1 दिन में शाम को 15 दिन तक ही लेंगे। अगर दोबारा दिक्कत आती है
तो 2 महीने के बाद फिर रिपीट कर सकते हैं इसको, और R18 को 20 दिन में आपको लगातार ले सकते हैं। नए वीडियो साथ में काफी मिलता हूँ, धन्यवाद, नमस्कार।